बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के काजीपाड़ा के रहने वाले दो जिगरी दोस्त की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, जिसे देख बना मातम का माहौल। दरअसल ये दर्दनाक हादसा बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे 119 पर झल्ला गांव के पास आज देर शाम उस वक्त हुआ, जब एक बाइक पर सवार होकर भोला पुत्र अशोक और आरिफ पुत्र जमीर बिजनौर से नजीबाबाद जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक झलरा के पास पहुंची, तभी तेज रफ्तार कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक सवार दोनों जिगरी दोस्त उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में दोनों दोस्तों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और विधिक कार्यवाही में जुट गई। फैसल भाई, एक नजीबा मार्ग पे एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये झर्रे के पास सड़क हादसा हुआ है। ये दो लड़के थे जो बाइक से आ रहे थे वापस। ये तो अभी नहीं पता, क्योंकि परिवार वालों से कह के गए थे नगीने जा रहे हैं, तो ये नगीना रोड तो है नहीं, तो ये तो कहना मुमकिन नहीं है कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे थे। फिलहाल ये जानकारी मिली है, दोनों लड़के काजीपाड़े के थे। तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी, ये बाइक पे थे दोनों, दोनों की दर्दनाक मौत हो गई मौके पे। एक का नाम आरिफ है और दूसरे का नाम जो बताया जा रहा है दीपक उर्फ भोला। दोनों काजीपाड़े के थे, दोनों दोस्त थे और दोनों ही कश्मीर काम करते थे। एक नाई का काम करता था, एक होटल पे काम करता था, और ये भी कहा जा रहा है दोनों जिगरी दोस्त थे आपस में। तो दो मौतों से कहीं ना कहीं काजीपाड़े में गम का माहौल है, परिवार भी गम के माहौल में है, और सड़क हादसे में दो जो मौत हुई है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। वो कारण क्या है, क्योंकि जवान मौत है और अलग अलग चर्चा हो रही है, कहाँ गए थे क्या है, ये तो अलग विषय है, क्योंकि परिवार वालों से बता के ये नहीं गए थे। और फिलहाल पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल की कार्रवाई ये है कि कार मौके पर खड़ी है और बाइक भी मौके पर है, तो कानूनी कार्रवाई आगे की चल रही है। क्या आगे मामला निकल कर आएगा तो तभी पता चल जाएगा, जब जांच पूरी हो जाएगी।